हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको सो so गाइस आज की ब्लॉक में मैं हूँ मम्मी के साथ आज की ब्लॉग मम्मी के बारे में होगा तो आज मेरी मम्मी भी पास आए हैं आया है तो आज, आज आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी मम्मी और मम्मी किस लिए पास आए हैं वो भी मैं बताऊँगी तो ये है मेरी मम्मी एंड वो देखिए उनना भाई एंड ये मेरी बहन है जो तो कपड़े बना रहे हैं तभी मम्मी और अब मम्मी और मैं अब लोगों से बातें करेंगे तो दोस्तों मैं अब आज अपने मम्मी के बारे में अब लोगों को बताऊंगी मम्मी जो बस्ती में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे मेरी पापा गुजर गए हैं पापा को गुजरे हुए बारह साल हो गए तो मम्मी हम लोगों को पाल के इतने इतने बड़ा किए हैं तो मम्मी बस्ती में आ, पापा का, का काम को भी वो खुद करते हैं और हमारे जो लड़की का काम को भी मम्मी करते हैं और जब वेकेशन होते हैं हम लोग मिल वापस आके मम्मी को मदद करते हैं तो बीच में मम्मी ही सारे काम को करते हैं तो आज वो पासघात आया है तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी पूरी तरह आ, बहुत वीक हो गए हैं इसके बदन तो ये जो मम्मी कुछ दोनों से बहुत ही बीमार है इसका जो हेल्थ है अच्छा नहीं है तो इसके हेल्थ ईशू के कारण इस इसको मैंने पासगात लेके आया ताकि इसका ट्रीटमेंट कर सकूं तो हम लोगों ने मेडिकल गया और यहाँ के जो हमारे जनरल हॉस्पिटल के बेस्ट जो डॉक्टर है उससे मैंने दिखाया तो अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको डॉक्टर ने दवाई भी दी है तो अभी कल भी करना बाकी है कल भी हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे तो देर सारे ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है तो गाइस में आज का यह वीडियो आप लोगों से मेरे मम्मी के लिए प्रे कर देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी मम्मी जो जल्द से जल्द रिकवर हो और तो इसलिए मैं मम्मी को अभी यहाँ पे पास्गात में बिता रहे हो ताकि इसका बीमार जल्द से जल्द से जल्द अच्छा हो तो दोस्तों मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी मम्मी के लिए ये देखिए मेरी मम्मी के लिए आप लोग प्रे कर देना ताकि जितने भी टेस्ट हम लोगों ने किया है उन सारे टेस्ट में से इसका जितने भी बीमार है अंदर में वो सारे बीमार डॉक्टर जान ले और अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट हो और जल्द से जल्द रिकवर हो तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे मम्मी के लिए और हमारे लिए प्रे कर सके क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार हो मेरी मम्मी बहुत ही प्यारा सा मम्मी है मेरी तो आप लोग भी प्रे कर देना जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए तो अभी हम लोग घर पर घर पर ही हो कल जाएंगे डॉक्टर के पास तो अभी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है इसको मेडिसिन दिया गया है मेडिसिन भी खा रहे हैं तो जल्द से जल्द रिकवर होने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे बस्ती और देर सारे जो मैंने उस दिन हम लोगों को बस्ती वाला ब्लॉक में मैंने आप लोगों को दिखाया केटी कटिंग करने का ब्लॉक तो उसको भी जलाना है और उसके बाद सीड्स वगैरह डालना है तो उन सारे काम को भी करने के लिए मामी पूरा जल्द से जल्द बस्ती जाने की सोच रहे ताकि ये जब तक रिकवर नहीं होगा जब तक अच्छा नहीं होगा इसका शरीर तब तक मैं इसे बस्ती नहीं बेचने वाले हूँ और मैं खुद भी नहीं जाने वाले हूँ जब जब ये ठीक हो जाएगा हम लोग सारे मिल के आएंगे और जितने भी काम बस्ती में छोड़ के आए हैं उन सारे को उन सारे काम को एक साथ निपटाएंगे एक साथ करेंगे तो अभी बस पासीघाट में है पासीघाट में बैठ के मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और साथ ही साथ मम्मी का ट्रीटमेंट भी करवाऊँगी मैं बहुत ही कुछ मिजाज की हूँ अपने जो इमोशन है उसे मैं दिखा नहीं सकती लेकिन भी मैं कुछ दिनों से बहुत ही दुख में हूँ तकलीफ़ में हूँ मम्मी के बीमार के कारण क्योंकि ये अच्छा नहीं होने से ये इसका हेल्थ अच्छा होने से मैं ऑटोमेटिकली मेरी जो मंथ है बहुत ही खुश रहता है और और ये ठीक नहीं होने से अब लोग के सामने कुछ दिखाने से भी मन ही मन अच्छा नहीं होता है तो मम्मी ठीक होने से सारे हम लोग मिल के बस्ती जाएंगे और ढेर सारे काम करेंगे और ढेर सारे, सारे एंजॉयमेंट करेंगे मम्मी अभी आ, इसका जो हेल्थ अच्छा नहीं होने के कारण जो इसका जो शक्ल है ये देख सकते हैं बहुत ही सुखी सुक्की से लग रहा है लेकिन जो ये जब जब ये ठीक हो जाएगा ना आप लोगों से बात भी करेंगे भले ही ये हिंदी नहीं आते लेकिन आप लोगों से ये बातें करेंगे और आप लोगों को ट्रांसलेट भी मैं कर दूँगी अपनी जो माइकी गोद से हम लोग भी प्रे करते रहते हैं जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए यही है मैंने आज आप लोगों को आप लोग मेरी मम्मी को मिलवाने के लिए और मेरी मम्मी के पास आने का कारण क्या है वो सारे बताने के लिए मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ तो गाइस मैं फिर से कह रही हूँ आप लोग से कि मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए प्रे कर देना दिल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मेरे मम्मी के लिए प्रे कर देना ताकि वो इन सारे तकलीफों से इन सारे दुखों से छुटकारा पाए और हमेशा खुशी से मेरे साथ बिताए और मेरे हमार मेरे सारे परिवार के साथ बिताए तो ये दुख होने से ये तकलीफ इसका हेल्थ अच्छा नहीं होने से हम सारे बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारे मम्मी के अलावा हमारे पास कोई नहीं है ना पापा है पापा भी नहीं है हमारे साथ तो हमारे तो अब लोग पता है कि मेरे पास भाई नहीं है और एक भैया है वो अभी घर पर है इसलिए मैं अब चाहती हूँ मम्मी हमेशा खुश रहे और हम हमें हमारे साथ हम सारे बहने के साथ हमेशा हंसी खुशी रहे लास्टली थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मम्मी के बारे में बोलते बोलते मेरी आंखें भर गए सो so गाइस मेरी आज का वीडियो मैं इस पर ख़त्म करूँगी मिलते हैं अगली वीडियो पर तब तक के लिए बाय